आज हम बनाने वाले हैं आलू कचालू, जिसको हम धनिया आलू भी बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत मिश्रा, वेलकम टू प्रियांत किचन। तो आलू कचालू बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो हम देख लेते हैं। आलू कचालू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 700 ग्राम आलू लिए हैं। यहाँ पे मैंने जो छोटे वाले आलू होते हैं वो लिया है। इसे अब हम कवर करके दो विसल आने तक पकने देंगे। आलू को बॉईल करने के बाद इसे मैंने इसके छिलके निकाल के कट कर लिया है। अब हम ग्रीन चटनी रेडी कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सचर जार लिया है। इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, 6 से 7 लहसुन, 1/2 कप धनिया पत्ता, 1/2 कप पुदीना पत्ता एंड 3 से 4 टेबल स्पून वाटर। अब इसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो ये मैंने ग्रीन चटनी बनाकर रेडी कर ली है। इसे अब मैं साइड में रख लूंगा। आलू कचालू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है। इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे। यहाँ पे ऑयल गर्म हो गया है। इसमें हम डालेंगे जीरा। अब इसमें डालेंगे मटर। इसे हम कवर कर देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि जो मटर है वो अच्छे से पक जाए। और यहाँ पे जो मटर था वो पक चुका है। अब ये जो हमने चटनी रेडी की थी वो इसमें डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक भी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने आलू डाल दिया है। आलू डालने के बाद इसे हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून अमचूर पाउडर भी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे कचालू बनकर रेडी हैं। मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारे आलू कचालू और धनिया के आलू बनकर रेडी हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।